कल हम आपका टॉपिक कर रहे थे कंटेम्पररी इशू इन एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कुछ इशू आते हैं जिनके साथ हमको डील करना ही पड़ता है, बार बार ये इशू चलते ही रहते हैं। कल हमने इशू वर्क लाइफ पॉलिसीज के या फिर वर्क लाइफ बैलेंस के अकॉर्डिंग हमने इशू कर लिए थे। आज हमने करना है टैलेंट मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी में टैलेंट को मैनेज करने के लिए ये भी एचआर डिपार्टमेंट में इशू आते ही आते हैं, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट को और पता होता है कि हमारी कंपनी में अगर जो टैलेंटेड पर्सन है कुछ 14 लास्ट वर्क लाइफ कंपनी में टैलेंट मैनेजमेंट करना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि कंपनी को पता है कि जो भी टैलेंटेड एम्प्लॉइज होंगे अगर छोड़ के जाएंगे, जब तक नया पर्सन हायर करेंगे उसको ट्रेनिंग देंगे वो उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेम पर्सन अबिलिटी में बनेगा तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ने वाली है। कंपनी को उतना टाइम वेट, ऐसा नहीं होता कि कंपनी काम करना छोड़ देंगे, कंपनी बंद हो जाएंगे, कोई एम्प्लॉय चला जाएगा, लेकिन फिर भी कंपनी चाहती है कि अगर टैलेंटेड पर्सन को कंपनी में रखेंगे तो उनका बेनिफिट हमें ज़्यादा होगा, तो टैलेंटेड मैनेजमेंट करनी कंपनी में ज़रूरी होगी। प्रोसेस क्या है टैलेंट मैनेजमेंट करने के लिए, कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, प्लानिंग करेगी कि जो पर्सन हमारी कंपनी में टैलेंटेड पर्सन है उनको मैनेज करने के लिए लगातार कंपनी में जुड़े प्लानिंग करेंगे क्या क्या सर्विसेज उनको पड़ सकती है। फिर उसके बाद अट्रैक्टिंग, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे कोई कंपनी में एम्प्लॉयज जाने की कोशिश कर रहे हैं उसको कैसे इंटरेक्ट किया जा सकता है, वो आपके उनकी ट्रेनिंग में उनको पहले से पता होता है या फिर इंटरव्यू में पता होता है कि बंदे को सैलरी बढ़ानी है या कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी है, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सिलेक्टिंग, जो मेथड उनको लगेगा कि इस बेस पे बंदा टैलेंटेड पर्सन जो हमारी कंपनी में रह सकता है उसको वो टैलेंट में प्रोसेस देंगे। फिर आता है डेवलपिंग, मान लो एम्प्लॉयज को बोल दिया कि हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे तो उसको डेवलपिंग मीन्स उसका थोड़ा बहुत काम भी बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि सैलरी बढ़ाएंगे उसका काम भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। लास्ट में होगा रिटेनिंग, कस्टमर जो भी पर्सन हमारी कंपनी में से जा रहा होगा उसको रिटेन कर लेंगे, अपनी कंपनी में रखते हैं और परफॉर्मेंस उसी तरह से कंपनी में फिर चलती चली जाती है। ये प्रोसेस है हमारी कंपनी में टैलेंटेड मैनेजमेंट को। नीड फॉर टैलेंटेड मैनेजमेंट, टैलेंटेड मैनेजमेंट को रखने के पीछे कंपनी की क्या जरूरत है, सबसे पहले कहता भी उन्होंने लिखा कि अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इकॉनमी, हमारी इकॉनमी जो कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इकॉनमी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आते चले जाते हैं। सबसे बड़ा चेंज आता है कि लोगों के फैशन में चेंज आए, टेस्ट में चेंज आए, तो जो टैलेंटेड पर्सन हो गए वो टाइम के अकॉर्डिंग कंपनी को उस चेंजेस में अडॉप्ट कर सकते हैं, कंपनी कभी नहीं छोड़ेगी। मान लो नया कुछ आ गया, जब पर्सन छोड़ के चला गया नया पर्सन आएगा टाइम लग सकता है हमारी कंपनी के साथ उसको अडॉप्ट होने में, तो कंपनी हमेशा सोचती है कि ग्लोबल इकॉनमी में पर्सन सेम वैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, टू बी कम्पिटिटिव, लगातार आपका कंपटीशन चलता रहे तो वो टैलेंटेड पर्सन के अकॉर्डिंग ही चल सकता है। कोई टैलेंटेड पर्सन चला गया तो कंपनी क्या कंपटीशन करेगी, कंपनी का काम प्रॉपर नहीं चलेगा तो कंपनी को वेट करना पड़ेगा। फोर्थ, सस्टेनेबिलिटी, लगातार एक लेवल में कंपनी में काम चलता रहे उसके लिए भी जरूरी है कि कंपटीटिव टैलेंटेड को अपनी बात रखना। फोकस और आउटकम, हमें क्या बेनिफिट हो सकता है बाहर से अगर टैलेंटेड पर्सन को रख रहे हैं, ज़्यादा काम एक ही बंदा हमारा करके दे रहा है, मान लो एक बंदा छोटी चला गया कंपनी में 3-4 काम कर रहा था, बंदा छोटी चला नया पर्सन आएगा हो सकता है कि आपको 4 पर्सन ही हायर करने पड़े अलग अलग काम के लिए, हो सकता है 2 पर्सन हायर करने पड़े, अगर किसी एक को भी हायर करेंगे तो चारों काम कब कंप्लीट करेगा, ये प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। टैलेंट एक्सपेंसिव इन्वेंटरी, जब नया खर्चा नए पर्सन को लेके आएंगे तो खर्चा कंपनी को बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही ऑटोमोट पे, मान लो सैलरी चाहे बंदे को कम दें लेकिन जो काम कम टाइम में कंप्लीट हो रहा था वो ज़्यादा टाइम में कंप्लीट होगा, ये कॉस्ट भी कंपनी को बढ़ सकती है। इसके लिए कहता कंपनी ऑर्डर को कहता सक्सेसफुल लाइफ में सेटअप करने के लिए उनको टैलेंटेड की मैनेजमेंट करनी जरूरी है, ताकि कंपनी में जो चलता है वो काम है उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। बेनिफिट क्या होंगे टैलेंटेड मैनेजमेंट के, एक तो कहता बेटर आप लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, टैलेंटेड मैनेजमेंट की आप प्रॉपर ट्रेनिंग है बार बार रिक्रूटमेंट करने के लिए, वही पर्सन को दोबारा से रिक्रूट कर लेंगे, टैलेंटेड मैनेजमेंट इजीली बेस पे हो जाएगी, आपको पता है कि वो टैलेंटेड पर्सन है मैं उस पर्सन को अपने पास रखूँगा उसको नहीं छोड़ूंगा। दूसरा, डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन ऑफ ऑल ऑन द राइज, हमारी कंपनी में जो बार बार पर्सन चले जाते हैं या फिर लेबर टर्नओवर होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आप टैलेंटेड मैनेजमेंट इजीली बेस रखेंगे, सब लोग एक दिशा में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। डीपर एम्प्लॉय इंगेजमेंट, कंपनी में जो एम्प्लॉयज होंगे उनके जो रिलेशनशिप है वो डीप होते चले जाएंगे कंपनी में, वो लोग कंपनी में बार बार छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। मिनिमाइज एट्रिशंस, एट्रिशन का मतलब जो टर्नओवर एम्प्लॉयज में मोस्टली चलती रहती है, कई बार कंपनियों खुद एम्प्लॉयज को रिप्लेस करती हैं, कई बार खुद बंदे छोड़ के जाते हैं, तो ये टर्नओवर भी कम हो जाएगी कंपनी में। बेटर सक्सेसफुल लाइफ प्लानिंग, कंपनी की जो सक्सेसफुल प्लानिंग चल रही होती है बिजनेस के रिगार्डिंग कभी भी डाउन नहीं होती, टैलेंटेड मैनेजमेंट के लिए बेनिफिट होंगे। टैलेंटेड मैनेजमेंट के फॉर एम्प्लॉयज के लिए, तो कंपनी के लिए बेनिफिट थे ऊपर, उसके बाद एम्प्लॉय के लिए भी लिखे हैं, उनके पास सबसे पहले बेटर ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस, जो कंपनियों में जो एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे हैं अगर उनको टैलेंटेड उनके टैलेंट को मैनेज किया जाता है तो एम्प्लॉयज को बेनिफिट क्या होगा, उनका एक्सपीरियंस एक तो बढ़ता चला जाता है अपने काम के प्रति, वो इतने निपुण होते चले जाते हैं कि मान लो कभी भी अगर छोड़ के जाएंगे तो उनको नेक्स्ट कंपनी उनकी वैल्यू जनरेट ऑटोमोट पे बन जाती है। दूसरा, मोर ट्रेनिंग रिस्क रेस्किलिंग ऑप्शन, आपके पास बहुत सारी आपको ट्रेनिंग मिलेंगी जो ऐसे स्किल्स जो स्किल्स आपने कभी सीखी भी नहीं है
उस स्किल सीखने का आपके पास ऑप्शन भी आ जाता है जब आपकी टैलेंट को मैनेज करेंगे तो कंपनी वाले। कैरियर एडवांसमेंट, आपका कैरियर भी आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि आप एक लेवल पे आज स्टार्ट कर रहे हैं तो लगातार उसी लेवल पे रहेंगे, आपका लेवल भी वो कंपनी में आके बढ़ता चला जाएगा। इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपकी कंपनी में परफॉर्मेंस को इजीली बेस पे इंप्रूव करवाया जाएगा, कंपनी आपकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी करेगी प्लस उसके ऊपर आपको जो बेनिफिट कंपनी दे सकती है वो भी आपको देती चली जाएगी। एम्प्लॉई नॉलेज, जो भी एम्प्लॉई कंपनी में काम कर रहे होंगे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी टैलेंट मैनेजमेंट करने से, कंपनी में एम्प्लॉयज अपनी स्किल्स को बढ़ा भी लेंगे। फिर आता है वर्क फॉर डाइवर्सिटी। वर्क फॉर डाइवर्सिटी मीन जब वर्कर एक दिशा से हटके दूसरी जगह पे जाना स्टार्ट करते हैं, मीन्स अलग काम करना स्टार्ट करते हैं, ये भी कंपनी में प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे वर्क जो वर्कर होते हैं फोर्सेस में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, मैंने एक वर्कर कहीं छोड़ पे चला गया उसको लगता है दूसरी कंपनी में अपनी जिस पहले कंपनी में काम कर रहा था तो लोगों को बोल देता है कि इस कंपनी में फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हैं, तो ज़्यादातर लोग कंपनी से जब छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना स्टार्ट कर देते हैं उसको बोलते हैं वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। आप एक एरिया छोड़ के दूसरी कंपनी, कुछ लोग तो होते हैं लेबर छोड़ के ही चलेगी काम नहीं कर रही छोड़ ही दे काम करना या फिर फील्ड को सेलेक्ट कर लेगी, इसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। इसको बोलते हैं जब कंपनी हमारे साथ कंपनी चल रही है अगर हमारे एरिया में और भी कंपनी चल रही है हमारी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चली गई, सेम प्रोडक्शन वाली कंपनी हम भी कोई प्रोडक्ट बना रहे थे टेबल्स वगैरह दूसरी कंपनी में टेबल्स वगैरह बना रही थी उसमें चलेगी। तो वर्क फॉर डाइवर्सिफिटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इसके साथ भी डील करना पड़ता है, हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे तो प्रॉब्लम जनरेट होंगी, उनमें क्या क्या उनको खर्चे हो सकते, मान ली उन्होंने लिखा है कि कुछ ऐसी हमें डाइवर्सिफिटी से कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जिनके बेस पे हमें कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हमारी कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब एक्सपीरियंस पर्सन हमारी कंपनी सीख के गया जो बंदा दूसरी कंपनी में जाएगा वो एक्सपीरियंस वहाँ पे देगा तो हमें नुकसान है उसका। बैकग्राउंड, हमारी जो मिस्टेक्स होती थी जॉब में वो सारी चीज़ दोबारा से जनरेट हो जाए, नया पर्सन आएगा वो मिस्टेक्स दोबारा से करेगा प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। करेक्टरिस्टिक्स, जिन चीज़ों के बारे में हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जो ट्रेनिंग्स हमारे देनी बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती थी वो आपको बार बार देनी पड़ेगी। नए एम्प्लॉयज़ को पहले फाइंड करना पड़ेगा वो एम्प्लॉयज़ किस तरह से हमारे लिए बेनिफिट में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकता, इन चीज़ों पर भी कंपनी को फोकस करना पड़ सकता है। पैरामीटर्स डिमेंशन ऑफ द डाइवर्सिटी, जो कंपनियों में हमारे पास वर्क फॉर डाइवर्सिटी आएगी तो उसमें सबसे पहले डायमेंशन क्या होंगे, सबसे पहले तो प्राइमरी डायमेंशन जो एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटी आपको वो चेक करनी पड़ेगी, कौन बंदा हमारे पास आया है उसके मतलब एज कितनी है, उसका जेंडर क्या है, उसके फिजिकल कैपेबिलिटी क्या है, मेंटल एबिलिटी कितनी है, हमारी कंपनी में वो लगातार किस तरह से लगातार जुड़ा रह सकता है इसके बारे में हमें पहले से देखना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई बंदा वर्क फॉर डाइवर्सिटी होगी तो आप किसी पर्सन इंटरव्यू पर रखोगे, मान लो मुझे कंपनियों में अकाउंट्स में रखना है तो अकाउंट्स में किन पर्सन को रख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मेल फीमेल में हम डिफरेंस करेंगे, एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, कितनी एज वाला पर्सन हम लोग रख सकते हैं, फिर माइंड करता है कि उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, एक फील्ड में कितना काम कर सकते हैं, ये प्राइमरी डायमेंशंस हैं जिस चीज़ की हमें कंपनी चाहिए। उसके बाद होता है सेकेंडरी डायमेंशन, सेकेंडरी डायमेंशन का मतलब होता है कि अल्टर और मॉडिफाइड इन सम वेज, उस पर्सन को जो पर्सन हम जिस पर्सन को हम लोग हायर करेंगे क्या उसमें कुछ चेंजेस कर पाएंगे, जो पुरानी कंपनी में बंदा काम सीख के आया हमारी कंपनी में हो सकता है वैसा काम ना हो। मैं एग्जाम्पल बोलूँ कि अकाउंट्स में डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, टैली, सैप, इसके अलावा और भी अलग अलग बहुत सारे ईपीएस या और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में यूज़ होते हैं, तो जो पर्सन टैली सीख के आया हमारी कंपनी में सैप चलता तो चला लेगा, जो सैप वाला पर्सन हमारी कंपनी में टैली चलते चला लेगा, प्लस जो बंदा छोड़ के गया एक टाइम बहुत सारे काम कर रहा था, बैंक का भी कर रहा था, सेल का भी देख रहा था, परचेज का भी देख रहा था, नया पर्सन आएगा हो सकता है उसने सिर्फ कंपनी में बैंक का ही काम किया हो तो अकाउंट्स में कैसे रखेंगे। तो ये सेकेंडरी डायमेंशन होती हैं जब कोई वर्क फोर्स कंपनी को छोड़ के जाती है तो उनको हमें देखने पड़ती है। फैक्टर इंक्रीजिंग वर्क फॉर डाइवर्सिटी, जो हमारी इकॉनमी में कहता अभी फैक्टर, जो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वर्क फॉर डाइवर्सिटी बढ़ रही है, सबसे पहले फैक्टर में लिखा है कि एक्सपेंशन ऑफ द सर्विसेज इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ में जो सर्विसेज हैं वो जब से बढ़ने स्टार्ट हुई जो जो कंपनीज अपने हिसाब से इंप्लॉयज़ को सर्विसेज देती हैं बेटर, इंप्लॉयज वहाँ भागने स्टार्ट कर देते हैं, उनको लगता है छोड़ो कंपनी हमें क्या बेनिफिट है, वहाँ पर सैलरी अच्छी मिल रही है या सर्विसेज मिल रही है, यहाँ मिल रही है तो ये कंपनी में प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा, मार्केट ग्लोबलाइजेशन, मार्केट में जैसे ग्लोबलाइजेशन आ रहा है अलग 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 एरिया में ग्लोबलाइजेशन अलग अलग कंपनी लग रही हैं, अलग अलग फैसिलिटीज स्प्रेड कर रही हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग बेनिफिट भी मिल रहे हैं तो लोग वहाँ पे जाना भी स्टार्ट करेंगे। टीम वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल कंपनी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, सभी कंपनी में कहते हैं टीम वर्क की जरूरत होती है, मान लो आपकी कंपनी में टीम वर्क है ही नहीं, एक काम सिंगल बंदा खुद ही करा जा रहा है, मैं बोलूँगा अकाउंट आपकी कंपनी में काम चल रहा है, अकाउंट्स का सिंगल पर्सन सारे काम कर रहा है, सेल, परचेज, बैंक, खर्चे, इनकम सब कुछ देख रहे हैं, एक कंपनी चल रही है उसमें अकाउंट से काम के लिए 7% बैठे हुए हैं, फिर टीम वर्क में बेनिफिट है, मैं सिंगल सारा काम क्यों करूँ, मुझे उतने पैसे उस कंपनी में मिल रहे हैं मैं सिंगल काम करना है तो वहाँ पे चला जाएगा बंदा। उसके बाद मर्जर एंड अलायंस,
कई बार कहता कंपनियों में कहता मर्जर हो जाए, हम कई कंपनियों को मर्जर कर लेते हैं, वर्क तो डाइवर्सिटी हो जाती है, लोग इम्प्लॉय नहीं छोड़ देते हैं, इन्होंने तो हमारी पहली जॉब निकाल देनी तो पहले ही बंदे चले जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग कुछ नए रूल्स बन जाएँ, लेबर के लिए स्पेशल एक्ट पास हो जाएँ तो लेबर को फैसिलिटीज ना मिलें, वर्क फॉर डाइवर्सिटी वहाँ पर भी निकल के आ जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इग्नोरिंग वर्क फॉर डाइवर्सिटी, ऐसे कौन से कैसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे आप कहता वर्क का डाइवर्सिटी को इग्नोर कर सकते हो। सबसे पहले उन्होंने लिखा कि वो सारे आपको कहता कई बार ऐसे होता है कि डाइवर्सिटी आपके बेनिफिट के लिए भी होती है, मान लो एम्प्लॉयज आपके ऊपर बर्डन है तो आपके लिए बेनिफिट है, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं तो खुद छोड़ के जाएंगे, हम नए पर्सन को बेस्ट फाइंड करेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए बेनिफिट भी हो सकते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें कहता प्रोफेशनल स्किल्स टैलेंटेड पर्सन या फिर एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत है, तो आपको वर्क फॉर डाइवर्सिटी चाहिए आपके बेनिफिट के लिए, आप एम्प्लॉयज को खुद बोलेंगे आपके पास अगर स्किल है तो ठीक है भैया धन्यवाद आप लीव कर सकते हैं, खुद लीव करके चले जाते हैं, तो आपको प्रोफेशनल की जरूरत है आप प्रोफेशनल में चले जाएंगे। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि आपकी कंपनी में कहता अभी स्पेशल किसी गेस्टर्स की किसी जोक मोड की या किसी वर्ड की स्पेशल चीज़ की जरूरत है तो हम उन चीज़ों को ऐड करेंगे, हम लोग ये थोड़ी कि अनस्किल पर्सन को अपने रखेंगे, तो वर्क फॉर डाइवर्सिटी आपके लिए वहाँ पर भी बेनिफिट वाली हो सकती है। स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग वर्क फॉर डाइवर्सिटी, कंपनी में जो वर्क फॉर डाइवर्सिटी होती है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई हुई है। सबसे पहले इंटरपर्सनल स्ट्रेटजी, इंटरपर्सनल मीन्स कंपनी के कल्चर को उस तरह से सेटअप किया जाएगा, जो लोग हैं उनके साथ फैमिली बेस्ड रिलेशनशिप बनाए जाएंगे, उनके साथ एडजस्टमेंट की जाएगी, तब जाके उनका बेनिफिट उनको मिल सकता है। इंटरपर्सनल के बाद उन्होंने बोला कि आप कंपनी में कहता कल्चर डाइवर्सिटी भी कर सकते हो, जिस हिसाब से हमारी कंपनी में कल्चर चल रहा है, जिस हिसाब से लोग हमारी कंपनी में उसी के जैसे के लोगों को ऐड करेंगे, मान लो मेरी कंपनी में सभी लोग एक एरिया के हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं के एरिया के लोगों को ही ऐड करें ताकि कल्चर सेम बना रहे, भेदभाव ना हो लोगों के आपस में, बहुत सारी कंपनी में लड़ाई इसी बेस पे चलती रहती है या लोग कंपनी छोड़ते हैं कि भेदभाव चलते हैं कि वहाँ के लोगों को अच्छा प्रेफरेंस दे रहे हैं हम लोगों को प्रेफरेंस कम दे रहे हैं, तो इस चीज़ को भी कल्चर के बेस पे भी सेटअप कर सकते हैं वर्क फॉर डाइवर्सिटी कंपनी में ना हो। थर्ड है कि ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, अगर कंपनी के पास कोई ऐसी टेक्निक्स हैं कल्चरल डाइवर्सिटी को सेटअप करने के लिए, कई बार हमें लगता है कि एक एरिया के लोगों को हम पसंद, मैं एग्जांपल बोलूं तो उत्तराखंड में चल जाओ, मोस्टली उन्होंने एक कल्चर डाइवर्सिटी है कि वो सिर्फ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को ही रखने वाले हैं, कंपनी को लगता है कि चेंजेस करने के हमें बेनिफिट हो सकते हैं तो वर्क फॉर डाइवर्सिटी वहाँ पर भी चेंजेस होते हैं, बाहर पंजाब के लोगों को भी रखो भाई, हरियाणा के लोगों को रखो, कई कंपनियाँ अपनी भी रखना ही नहीं चाहती, तो ये प्रॉब्लम्स भी चलती हैं, तो आप मैनेज कर सकते हैं वर्क फॉर डाइवर्सिटी को। अगर लगता है कि टैलेंटेड पर्सन आपको उत्तराखंड वहाँ पर नहीं मिल रहे या उत्तर प्रदेश नहीं मिल रहे तो आप हरियाणा पंजाब दिल्ली वहाँ से भी लोगों को हायर कर सकते हैं, ये कंपनी इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इनके लिए उसके बाद चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ वर्क फॉर डाइवर्सिटी, जो वर्क फोर्स कंपनी छोड़ के जाते हैं उनके लिए चैलेंजेस क्या होंगे, सबसे पहले जेंडर रिलेशनशिप, मान लो कंपनी में आपका मेल फीमेल काम कर रहे हैं हो सकता है उनकी प्रॉपर एडजस्टमेंट में बैठे स्किलफुल पर्सन काम कर रहे हैं, हो सकता है एडजस्टमेंट कोई बंदा ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है कोई कम पढ़ा लिखा हुआ है तो वहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं आती। कल्चर कन्फ्लिक्ट, कोई बंदा वैसे कल्चर के अकॉर्डिंग बोल रहा है मैं हिंदू मुस्लिम में तो उसको ऐसे जात पात में चले जाता है तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, लोगों के साथ कहता भी डिफरेंट अनफेयरली ट्रीटमेंट हो, रंग के अकॉर्डिंग बुरा काला इस बेस में लोग बोले जाएँ तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रिस्ट्रिक्शन टू चेंज, कई बार कंपनी चेंज हो रही होती है लेकिन खुद लोग रुकावटें डालने वाले होते हैं हर चीज़, मैं बोलूँ कंप्यूटर का टाइम आया तो लोगों जो हाथ से काम करते हैं उनको बोला कि हम लोग काम नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस किए कि हम लोग काम नहीं करेंगे लेकिन काम तो करना ही पड़ता है, ऐसी रुकावटें भी कंपनी में हैं तो भी वर्क फॉर डाइवर्सिटी आती हैं। रिलीजियस डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, एम्प्लॉई के कई बार खुद अपने कुछ रीजंस पर्सनल फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कई बार वो चेंजेस करना नहीं चाहते तो प्रॉब्लम्स कंपनी में जनरेट होती ही होती हैं वर्क फॉर डाइवर्सिटी वाले। फिर आते हैं कंसेप्ट ऑफ लेबर लॉ, जितने भी लेबर लॉ इकोनॉमी में बने हुए हैं मोस्टली हम लोग इसकी बुक पढ़ें तो लेबर लॉ के लिए स्पेशल गवर्नमेंट ने एक लॉ की बुक बनाई हुई है लेबर के लॉ के लिए, जिसमें डिफरेंट यूनिट्स उन्होंने लेबर के लॉ के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। ये सारे जितने लॉ बने हुए हैं ऑल ओवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इंडिया के जितनी कॉन्स्टिट्यूशन जितनी भी इंडिया में स्टेट्स हैं सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं, जितनी भी कंपनीज वहाँ पर काम कर रही हैं सब जगह पर चलती हैं। लिखा भी है नीड फॉर लेबर रेगुलेशन इन इंडिया, इंडिया में कहता लेबर लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, जितनी भी लेबर काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के लिए, कंपनी में प्रॉपर तरीके से काम चलता रहे, हर एक बंदे के साथ कोई बार्गेनिंग पावर ना हो, प्रॉपर उनको सैलरी मिलते चले जाएँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व होते चले जाएँ, जितनी भी सोशल इंश्योरेंस लेबर वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सभी इंप्लॉयज़ को मिल सकें, इसके लिए लेबर लॉ जो है बने हुए हैं। इन्होंने आगे लिखे हुए हैं प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, जितने भी लेबर के अकॉर्डिंग कानून बने हुए हैं उसमें मेन प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहला प्रिंसिपल सोशल जस्टिस, सबके साथ प्रॉपर न्याय हो, सबको एक किसी सैलरी मिले, किसी साथ रंग के साथ कोई भेदभाव ना हो, जो भी झगड़े हो रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कराया जाए, इसके लिए काम जो लेबर लेजिस्लेशन बना हुआ है। दूसरा सोशल इक्विटी,
सब लोगों को एक जैसा ही समझा जाए। मान लो जैसे मैं गवर्नमेंट बोलते सेंट्रल गवर्नमेंट भी सभी इम्प्लॉयज़ को मिनिमम सैलरी 8500 होनी चाहिए। अब आज उस टाइम जिस मर्जी कंपनी में चले जाओ मिनिमम 8500 सब लोगों को मिलती है, इससे कम सैलरी नहीं है। इससे कम सैलरी मिलती तो मेरी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, उन कंपनी में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा नेशनल इकॉनमी, जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं अगर किसी प्रकार की उनको ग्रोथ की जरूरत है तो नेशनल इकॉनमी की तरह काम करें। सभी कंपनीज में रूल्स एंड लेवल जैसे बोलो कि PF, ESI, इंश्योरेंस सभी कंपनी सेम का लेवल सब कंपनी जैसा है, नेशनल इकॉनमी की तरह काम किया जाएगा सभी कंपनी में। इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, अगर कोई बंदा इंटरनेशनल बेस पे काम करना चाहे तो उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। हमारी कंपनी में भी काम वैसे चल रहे हैं, कोई बंदा छोड़ के मूव भी कहीं कर रहा है सेम काम कहीं पर भी इजली बेस पे कर सके। इस तरह से स्किल्स उस बंदे की डेवलप करवाना ये कंपनी की जिम्मेवारी है, इसीलिए लेबर के रेगुलेशन जो रूल्स हैं वो बने हुए इकॉनमी में। क्लासिफिकेशन ऑफ द लेबर्स लॉ, जो लेबर्स लॉ होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन उन्होंने बनाई हुई किस बेस पे, सबसे पहले तो पर्पस देखा जाएगा किस मकसद के लिए बनाए जाएंगे लेबर के कानून। मोस्टली हमें सब लोगों को पता है कि लेबर के जो कानून बनते हैं उस पे से एक ही मकसद है कि लेबर को वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। दूसरा उन्होंने लिखा है कि लेगिस्लेशन, लेगिस्लेशन मीन्स जो लेबर लॉ बनेंगे वो कहाँ पर अप्लाई होंगे, स्टेट या सेंट्रल। हम ऐसा बोलें कि बोथ, जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बनाएगी स्टेट को भी वो रूल मानना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बोला ही है कालो जितनी हमारी कंपनी चल रही है वहाँ पर भी रूल अप्लाई होगा, प्लस जिस स्टेट में भी कोई कंपनी चल रही है तो वहाँ पर भी होगा रूल जो अप्लाई होता है। थर्ड आता है कि इनहेंचमेंट, सॉरी टाइम पीरियड ऑफ इनहेंचमेंट्स, अर्ली डेज, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये कंपनी पहले से डिसाइड कर लेंगी जो रूल जब भी स्टार्ट होगा। मान लो कंपनी चल रही थी अभी नया रूल पास हो तो अभी स्टार्ट होगा, कोई कंपनी नई स्टार्ट हुई है बोले कि इतने टाइम बाद हम लोग ये रूल स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्री जब भी आप कंपनी स्टार्ट हो जाएगी उसी टाइम पे आपको ये चीज़ बनानी चाहिए। कुछ कंपनी जैसे होती हैं अभी पहले रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड थी, अभी जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो उनको रूल्स इन्वेस्टमेंट को पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बोल सकते हैं। जब वो रजिस्टर्ड होंगी तो सारे रूल गवर्नमेंट वाले मानने पड़ेंगे, लेबर को जो लेबर के वेलफेयर जो फैसिलिटीज हैं उनको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। लेबर लॉ रिफॉर्म्स इन इंडिया, लेबर लॉ के लिए कहता कुछ इन्होंने एक्ट ऐसे हैं जिनको रिफॉर्म इंडिया में किया गया। सबसे पहले जैसे ग्रेचुटी एक्ट 1972 में ग्रेचुटी एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया था, उसमें बोला कि जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में, ऐसा होता है कि इम्प्लॉयज़ जब भी कोई छोड़ के जाता है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो उन्होंने ग्रेचुटी स्कीम लगा दी। अगर कोई कंपनी में इम्प्लॉयज़ 5 साल के लगातार काम कर जाता है, जब वो छोड़ के जाएगा तो उसको आप ग्रेचुटी प्रोवाइड करोगे, उसका जो बोनस होता है वो पैसा उसको जो आप हर साल दे रहे हो जब वो छोड़ के जाएगा उतना पैसा फिर उतने साल का जितना टाइम उस कंपनी में बंदे काम किया वो पैसा आप उसको दोगे। ग्रेचुटी बंदे की सैलरी में से ही कटती है, 10% 20% जो भी आपके डिसाइड होगा जब कंपनी छोड़ के जाओगे तो इसको मिलेगा। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर कोई एम्प्लॉई किसी कंपनी में 1 साल भी काम करता है छोड़ेगा 1 साल के बाद तो भी उसको ग्रेचुटी मिलेगी, पहले 5 साल था अभी उसका 1 साल का। आगे लिखा कि ये एक्ट कहाँ पर अप्लाई होता है, ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है, जितनी भी कंपनीज इंडिया में चल रहे हैं रजिस्टर्ड कंपनी सभी कंपनी में चलेगा। इन्होंने लिखा होगा कि एटलीस्ट 5 ईयर्स काम करना जरूरत है। आप करंट डाटा लिख सकते हो कि अगर 1 साल भी कंपनी में काम करते हो तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ये जो पैसा आपकी कंपनी में रिटायरमेंट पे या फिर 5 साल कंपनी छोड़ने के बाद मिलेगा आपको, जब कंपनी आपको खुद निकालती है जब कुछ डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 पास किया गया। कंपनी में कोई भी माइनर पर्सन कंपनी में काम नहीं कर सकता, अगर कोई भी माइनर कंपनी में काम कर रहे होंगे तो कंपनी के ऊपर केस होगा, वो केस में सजा भी लग सकती है, उनके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। ये कंपनी में डिसाइड किया गया चाइल्ड लेबर एक्ट में। अगर किसी कंपनी में लेबर वाला काम हो भी रहा चाइल्ड के लिए तो उसमें ये भी डिसाइड किया था कि कुछ कंपनियों को परमिशन में भी हो कि छोटे छोटे काम है तो इम्प्लॉयज हम लेबर से करवा सकते हैं। वो लेबर एक्सलेंट एज में होनी चाहिए, 15 से 18 साल के बीच में होनी चाहिए, प्लस उनके लिए अगर ऐसे कोई काम है तो उनके लिए एजुकेशन फैसिलिटीज भी साथ में होनी चाहिए। कुछ कुछ ऐसे एरिया जो अनडेवलप एरिया हैं तो वहाँ पर हो सकता है चाइल्ड लेबर हो, तो एजुकेशन फैसिलिटीज अगर कंपनी साथ में देंगी तो काम करवा सकती है, अदरवाइज लेबर से भी काम नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने लिखा कि कुछ और एक्ट, फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948 जो कंपनी में पास हुआ उसमें मेन से ध्यान दिया गया कि कंपनी में जो भी पर्सन काम करेंगे रिस्क रिलेटेड जो भी उनको हेल्थ इशू हो सकते हैं उन हेल्थ इशू को दूर करने के लिए, जैसे इन्होंने बोला कॉटन ओपनर के पास वुमेन को काम ना करवाना, जो हैजर्ड्स वाली मशीन है उनके ऊपर अडल्ट पर्सन को काम करवाना, कंपनसेशन प्रोवाइड करना, कंपनी में जो झगड़े आ रहे हैं उनको दूर करवाना, ये सारा एक्ट उसमें पास किया गया। 1986 में कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट जिसको बीडी एंड सिगार वर्कर बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्ट पास किया गया भी 18 साल से कम वाले पर्सन को कंपनियों में ऐड नहीं किया जाएगा। बीडी एंड सिगार का नाम ऐसा रख लिया था लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट का मेन पॉइंट था कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को आप कंपनी में नहीं रखने वाले। 1951 में प्लांटेशन लेबर एक्ट काम किया गया कि लेबर जो कंपनी में काम करेगी आप जो ड्यूटी सेटअप कर सकते हो सुबह 6 से 7 बजे तक का टाइम शाम तक रख सकते हो, उस टाइम पे था।
क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग जल्दी लोग उठ जाते थे, शाम को अगर 7 बजे तो अंधेरा होने से पहले फिर लोगों को छोड़ना हो, ना कि लोगों के साथ कोई लूटपाट कुछ भी ना हो। लेकिन आज के टाइम में तो तीन दिन शिफ्ट चलती हैं, सुबह चल रही है 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6, फिर ऐसी शिफ्ट भी चलती हैं कंपनी में अलग अलग टाइम के। एक्ट 2008 में डोमेस्टिक वर्कर्स रजिस्ट्रेशन सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर जो 2008 में पास किया गया, जिसमें हर एक वर्कर को मिनिमम सैलरी इतनी मिलनी चाहिए, उनकी जो वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए। आज के टाइम में हम मिनिमम सैलरी बोले तो 8500 आप उसमें लिख सकते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में पास किया गया, उसमें मिनिमम सैलरी बहुत कम थी, लेकिन आज के टाइम में आप तो आज वाले लिखेंगे कि 8500 मिनिमम सैलरी हर कंपनी में मिलनी चाहिए। अप्रेंटिस एक्ट 1961 में एक्ट पास किया गया, उस एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना सभी कंपनी की जिम्मेवारी होगी। ऐसा नहीं कि कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में उसको ट्रेनिंग दोगे, सब एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना। अप्रेंटिसशिप आप प्रोग्राम से पढ़े हों, मे बी किसी कंपनी या फिर किसी कॉलेज से आप लोग डिग्री करते हैं या फिर कोई अपनी स्किल पर डिग्री कर रहे हैं, तो आपका एक सेमेस्टर स्पेशल अप्रेंटिस प्रोग्राम होता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, उनका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको 6 महीने का जो होगा वो लेके आएंगे, तो आपका डिग्री तब कम्प्लीट होता है। ये काम कंपनी में भी स्टार्ट हुआ कि आप एम्प्लॉयज़ जो आएंगे उनको ट्रेनिंग देंगे और उनकी डेवलपमेंट भी कराएंगे ताकि अपने कैरियर में आगे बढ़ सके। इसके बाद उन्होंने एक्ट और कोई इसमें नहीं लिखा, ये जितने भी एक्ट हैं इन्होंने लिखा हुआ एक्ट एप्लीकेबिलिटी अपीयरेंस ऑल ओवर इंडिया में ये सारे एक्ट अप्लाई होते हैं। पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं अप्लाई होते थे, नागालैंड में अप्लाई नहीं होते थे, अब जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होते हैं क्योंकि जब से 370 हटी तो जम्मू एंड कश्मीर में भी ये सारे एक्ट अप्लाई होने लगे हैं। अभी धीरे धीरे वहाँ पर कंपनीज भी स्टार्ट होने जा रही हैं। फिर आता है इंटरनेशनल एचआरएम। इंटरनेशनल एचआरएम की मीन्स जब कंपनी की तो बात करते ही ऑल ओवर वर्ल्ड में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, आप इंटरनेशनल मैनेजमेंट पर अगर किसी कंपनी में काम कर रही है, कोई हमारे मान लो एचआर डिपार्टमेंट इंडिया में, हमारा बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में भी चल रहा है प्लस अदर कंट्रीज में भी चल रहा है, तो आपको जब वहाँ पर भी एडजस्टमेंट करने तो वहाँ पर भी उनको कुछ इशू आ सकते हैं। इशू में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि प्रॉपर बिजनेस को मैनेज करना, लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करना, जॉब के डिज़ाइन करना, जॉब के एनालिसिस करना, जॉब की स्पेसिफिकेशन करना, ह्यूमन रिसोर्स में प्लानिंग करना, किन लोगों को रखना है, किन लोगों को हटाना है, किन लोगों को ट्रेनिंग करना, ये इंटरनेशनल बेस पे सभी एचआरएम डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे इंडिया में प्रॉब्लम आएगी सेम वैसे बाहर भी आ सकती है, क्योंकि जब हम ग्लोबल बास में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि सेंसिटिविटी इन रिक्रूटमेंट, किस प्रकार की हम सिलेक्टिविटी करेंगे रिक्रूटमेंट, ये सभी ग्लोबल एचआर डिपार्टमेंट वालों को सेम प्रॉब्लम है। जिस प्रकार की आपकी जॉब होंगी, जॉब की स्पेसिफिकेशन अगर आपने की होंगी तो एम्प्लॉयज वैसे ही फाइंड करेंगे, अगर आपको पता ही नहीं है तो एम्प्लॉयज आप प्रॉपर फाइंड नहीं कर सकते। फिर अगर स्टाफिंग स्ट्रेटजी, अगर एम्प्लॉय आपने सेलेक्ट कर लिए तो उनको किस जॉब पे किस हिसाब से रखना है, कौन सा काम करवाना है ताकि टाइम पे उनको काम करवाने का हमें बेनिफिट मिले। अगर सिलेक्शन कर भी लेंगे तो उसकी एबिलिटी चेक करना कि एक्चुअल में उसके पास एबिलिटीज़ हैं कि हमारे पास बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा। कम्बिनेशन देखना कि हमारे पास राइट एज राइट जॉब के लिए राइट पर्सन उन्होंने फाइंड कर लिए कि नहीं कर लिए वो देखना। कल्चर इंटीग्रेशन, हमारी कंपनी में जो कल्चर चल रहा होगा क्या पर्सन हमारी कंपनी के साथ जुड़ पाएगा या नहीं जुड़ पाएगा, ये भी एचआर डिपार्टमेंट वालों के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद वर्क फॉर डाइवर्सिटी, उसको भी मैनेजमेंट करना पड़ता है ग्लोबल एचआरएम को। इम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन जो अगर शेयर करनी है तो ये भी प्रॉब्लम, बहुत सारे इम्प्लॉय आते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, अपनी स्किल्स किसी के साथ डील नहीं करते, अपना स्किल्स को खुद ही यूज़ करते हैं, तो प्रॉब्लम जनरेट होंगी। टैलेंट कंपनियों में संभाल के रखना, ये भी एचआर डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद इंटरनेशनल कंपनसेशन आपने सेटअप करने हो तो एचआर डिपार्टमेंट को ये भी प्रॉब्लम्स आती है, तो एचआर डिपार्टमेंट को इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी। मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट किसी इकॉनमी में काम कर रहे हैं, सभी चीज़ों से उनको डील करना ही पड़ता है। टॉपिक है मेथड ऑफ ट्रेनिंग। अगर आपकी कंपनी में ट्रेनिंग, सबसे पहले तो बात करते हैं भी ट्रेनिंग होती क्या है। कोई भी कंपनी जब भी स्टार्ट होगी, जब किसी एम्प्लॉयज को हम अपनी कंपनी में सेटअप करने जाते हैं तो उस बंदे को कंपनी की इन्फॉर्मेशन देना, जॉब के प्रति कोई इन्फॉर्मेशन देना, उसको ही हम ट्रेनिंग बोलेंगे। इसी को ही बोलते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आप वैसे भी बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग कैन बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज टू शार्प देयर एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड लर्निंग न्यू स्किल्स। जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उनकी स्किल्स को शार्प करना, मीन्स उनकी स्किल को बढ़ाना आगे, या फिर उनको न्यू स्किल्स प्रोवाइड करना, यही ट्रेनिंग प्रोसेस है। ट्रेनिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ को शार्प कर सकते हैं, मीन्स हमारी कंपनी में जो बंदे काम कर रहे हैं उनके काम करने के तरीके को आप लोग अच्छा कर सकते हो, जिससे हम कंपनी को बेनिफिट हो सके, इसीलिए ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के मेथड आपको क्वेश्चन आएगा, दो प्रकार के मेथड हैं कंपनी में ट्रेनिंग देने के, एक तो है ऑन जॉब ट्रेनिंग, एक है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। आप लिख लीजिए ऑन जॉब ट्रेनिंग, आपको अगर मेथड लिखना पड़े तो ऑन जॉब ट्रेनिंग कंपनी क्या क्या करेगी। सबसे पहले बात करते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग समझते हो क्या होती है, अगर इनको मीनिंग लिखना पड़े ऑन जॉब ट्रेनिंग, लर्निंग बाय डूइंग। आप कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करते करते आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं तो उसको बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग।
क्या क्या चीज़ें ट्रेनिंग होती हैं, ट्रेनिंग में सबसे पहले लिखिए जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। सबसे पहले जो ट्रेनिंग कंपनी में दी जाती है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, मीन्स कंपनियों में कोई सिंपल ब्रेकडाउन हो गया, कोई जल्दी जल्दी मशीन रुक गई हैं, कुछ हमारी कंपनी में लॉकडाउन लॉकआउट हो गया या कुछ भी खराब हो गया, तो आपको इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कोई प्रॉब्लम आपको दे दी जाएगी इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको बोलते हैं जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। कंपनी में काम तो चल ही रहा है, आप कंपनी में लगे हुए हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और आपको उसका सैलरी मिल रहा है, वहाँ पर उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। मान लो शॉप मान लो जल्दी जल्दी मशीन रुक जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इसको बोलते हैं जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। दूसरी लिखिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इसका स्पेलिंग लिख लीजिए AREN TIE CESHIP अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। कंपनियों में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी कहा जाता है अर्निंग वाइल डूइंग। ये आप कई बार ऐसा होता है, मान लो कोई जॉब अभी डिग्री करके हटे हो आप लोग, आपको बोला जाए कि आप किसी ऑफिस में जाइए, वहाँ पे जाके अपने जॉब सिलेबस को कंप्लीट करना है। आप जैसे बीटेक कर रहे हो, मैं एग्जांपल बोलूँ, बीटेक में स्पेशल किसी डिपार्टमेंट में कर रहे हो, मैकेनिकल में कर रहे हो, इंजीनियरिंग में कर रहे हो, आपको बोला जाएगा भी छः महीने का आपका जो लास्ट सेमेस्टर है किसी कंपनी में जाओ, वहाँ पे जाके आप उसकी ट्रेनिंग लेके आओ, उससे सर्टिफिकेट लेके आओ। जब छः महीने आप कंपनी में जाओगे वहाँ पे आपको काम करने के पैसे भी मिलेंगे प्लस ट्रेनिंग भी मिलेगी, उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ये भी ऑन जॉब ट्रेनिंग का ही काम पार्ट है। तीसरा लिखिए जॉब रोटेशन। ट्रेनिंग करने के लिए कंपनी में जॉब रोटेशन भी किया जाता है, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है। इम्प्लॉयज़ को कहता बार बार एक जॉब पे तो काम कर ही रहे, कभी दूसरी जॉब करवा दी, कभी दूसरी जॉब करवा दी, ऐसी जॉब सभी सब सीखो। अमल में जो बोला राउंड्स में बहुत सारे काम है, बिलिंग करना है, सेल को देखना है, परचेज देखना है, बैंक देखना है, डिफरेंट काम है। एक बंदे से सारे काम कराओगे तो उसका ट्रेनिंग असली 20 पे हो जाएगा, अच्छा अकाउंटेंट बन जाएगा वो। उसके बाद कोचिंग, कंपनी में जब आपको कोचिंग दी जाती है, कोई सुपरवाइजर कोई मैनेजर स्पेशल किसी काम को कंप्लीट करने के लिए आपको कोई कोचिंग दे रहा है, आपको बता रहा है इस काम में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये भी एक ट्रेनिंग का मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड लिख सकते हो अंडरस्टडी। अंडरस्टडी का मतलब कि स्पेशल एक केस दे दिया जाएगा आपको कंपनी में, भी हमारी कंपनी में ये प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को आप अपने स्किल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो कंपनी में काम करवाएंगे, उसके बाद उस काम में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अगर आपका स्किल्स अच्छी हैं तो केस आपको दे देंगे, उस केस के बारे में आप कहता कंपनी में डीपली कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी को दीजिए, तो ये भी ऑन जॉब ट्रेनिंग का ही मेथड है। एक उसके बाद मेथड होता है मेंटरिंग, मेंटोरिंग बोलते हैं इसको। कंपनी में कोई मेंटर पर्सन स्पेशल आपको ट्रेनिंग देंगे, मींस अपने काम के प्रति कोई मेंटर पर्सन, कोई स्पेशल स्किल वाला पर्सन है, वो आपको काम के प्रति क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके नुकसान है, आपको जब उसकी प्रॉपर डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे उसको बोलते हैं मेंटरिंग प्रोसेस। ये सारे जो मेथड थे आपके कौन से हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग के। दूसरा मेथड हमारे पास है ऑफ जॉब ट्रेनिंग, जब आप कंपनी में नहीं होते हैं लेकिन आपको ट्रेनिंग, आपको भी कंपनी में इंटरव्यू देके आए हैं, कंपनी में आपको काम नहीं करवाया जा रहा आपको लेकिन ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग। लर्निंग बाय गेनिंग नॉलेज भी बोल सकते हैं जिसको हम बोलेंगे ऑन जॉब। ऑफ जॉब ट्रेनिंग का मीनिंग जो है लर्निंग बाय ट्रेनिंग, पहला था लर्निंग बाय वाइल वर्क डूइंग, वो था ऑन जॉब ट्रेनिंग, ये ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑफ जॉब ट्रेनिंग में सबसे पहले जो हमारे पास ट्रेनिंग का मेथड आ रहा है वो हमारा लेक्चर, जब आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे कोई भी काम के रिलेटेड, आपको वर्बल प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हमारी कंपनी में ऐसी है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसमें ये काम होना है, उसको क्या बोलते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑफ जॉब ट्रेनिंग में दूसरा मेथड जो यूज़ करते हैं वो है सिमुलेशन, जिसको हम बोल सकते हैं वेस्टिबुल ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सिमुलेशन आपका मिरर लाइफ, हम बोल सकते हैं मिरर लाइफ सिचुएशंस। आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आपको बताई जाएंगी जो आपकी काम के बीच में ही होने वाली चीज़ें हैं, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी प्रॉपर तरीके से, उसको बोलते हैं स्टिमुलेशन। मीन्स ऐसा कोई मीनिंग या ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा जिससे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर आता है केस स्टडी, जब आपको कोई एक केस की स्टडी करने के लिए बोल दिया जाएगा, बाद में आपसे उसके आंसर लिए जाएंगे, उसको बोलते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ये भी केस स्टडी भी हम लोग अपनी कंपनी में यूज़ करते हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग। उसके बाद हमारे पास आता है रोल प्ले, कंपनी में आपको कहता है रोल प्ले करने के लिए बोला जाए। मान लीजिए आपको बोल दीजिए, आप मान के चलिएगा आप मैनेजर हैं तो कंपनी में क्या क्या काम करेंगे, आपसे बहुत सारे आंसरिंग की जाएंगे, आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो रोल प्ले करने के लिए बोला जाएगा। इन बास्केट ट्रेनिंग हम बोल सकते हैं, आल्सो नोन एज दी ट्रेड ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं जिसको हम लोग। कंपनी में जो भी HR डिपार्टमेंट जब आपको कंपनी में हायर करेगा तो अपनी कंपनी के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन देगा, जिस जॉब पे आपको उसने रखना है पहले खुद इंटरव्यू लेगा, उसके बाद आपको जिस डिपार्टमेंट में भेजना है उस डिपार्टमेंट में भी इंटरव्यू ले जाएगा, इसको बोलते हैं बास्केट ट्रेनिंग या फिर ट्रेड ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। ये भी आपको ऑफलाइन मेथड है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन,
कंपनी में कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, आप कंपनी में आप काम नहीं कर रहे, ग्रुप में सभी पर्सन को बुलाया गया, इन्फॉर्मेशन दी गई, उसके बाद ग्रुप से डिस्कशन किया जाएगा इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम की, उसको बोलते हैं ऑब्जर्व ट्रेनिंग। उसके बाद सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है इमोशंस के साथ खेल के करने के लिए, कोई भी इमोशंस आपके समझे जाएंगे उस इमोशन के बेस पे आपको कोई ना कोई ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए या फिर अपने आप को अपने माइंड से आप क्या कम कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग आपको जब ट्रेनिंग दी जाएगी उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। एक लास्ट में हमारे पास आती है सिंडिकेशन ट्रेनिंग। सिंडिकेशन ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपको डिस्कशन में बहुत सारे पर्सन बैठे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, आपको बांट दिया जाए, उन ग्रुप से आपको परफॉर्मेंस लेनी हो, अब ग्रुप में क्या क्या काम हो रहे हैं, ग्रुप में कैसे कैसे काम कंप्लीट किए जा सकते हैं, उसके ऊपर जब ट्रेनिंग दी जाती है उसको बोलते हैं सिंडिकेशन ट्रेनिंग। मीन्स आपको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और आपके आंसर्स दिए जाएंगे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड हैं जो ऑन जॉब और ऑफ जॉब में ट्रेनिंग दिए जाते हैं। आज के टाइम में जब भी ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे आपको ऑन जॉब दे रहे हैं चाहे ऑफ जॉब दे रहे हैं, ज़्यादातर ट्रेनिंग कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग आ चुकी है। आपकी बुक में एक टॉपिक साथ में उन्होंने ये भी ऐड किया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में क्या होता है कि इमेजेस, आपके पास कोई भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस या फिर आपके पास कोई ग्राफ्स कोई टेबल्स, उन चीज़ों को यूज़ करके आपको जब कंप्यूटर बेस्ड पर ट्रेनिंग देते हैं तो उसका बेनिफिट कंपनी को ज़्यादा होता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मेथड क्या है ट्रेनिंग के, तो हमने लिख लिए, बाद में आ जाए कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कंप्यूटर बेस्ड होगी। आपको पूछा जाएगा उसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट में आप लिख सकते हैं कंपनी की कॉस्ट बचती है, जब ऑफलाइन ट्रेनिंग देंगे या फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग देंगे तो कंपनी को बंदे को काम करवाए बिना आपको कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं, कॉस्ट कंपनी। अगर कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं फटाफट इन्फॉर्मेशन बंदे के पास चली जाएगी, आप उसको वीडियो भेज दोगे, कोई आपकी वॉइस भेज दोगे या फिर कोई ना कोई पैराग्राफ या कोई टेबल भेज दोगे तो बंदे को अपने आप ही समझ आता है, ट्रेनिंग मिल जाएगी। दूसरा, टाइम बचता है कंपनी का, टाइम सेव हो जाएगा कंपनी का। टाइम कैसे सेव होगा, ऑफ जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो या ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो तो बंदा काम करेगा, स्पेशल इंप्लॉयज आपको रखने पड़ेंगे ट्रेनिंग देने के लिए, टाइम ज़्यादा भी लगेगा इसके आने के लिए। आपने ऑनलाइन किसी बंदे को ट्रेनिंग दे दी तो उसमें क्या बेनिफिट होगा, अभी ट्रेनिंग में कंपनी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बंदा अपने आप सीख जाएगा, कम टाइम में बंदा खुद ही पढ़ेगा, उसका उसको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद कंपनी में लोड ऑफ पेपर को रिड्यूस हो जाएगा, जब आप ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहे हो या ऑनलाइन ट्रेनिंग, जब सॉरी ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो पेपर बहुत सारा करना पड़ता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग दे रहे हो तो पेपर वर्क खत्म, आपको पेपर वर्क के ऊपर काम नहीं करना, सिर्फ एक वीडियो या वोकल्स या टेबल या जो भी आपके पास डाटा होगा वो आप बंदों को भेज दोगे तो उसको बेनिफिट हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। प्लस इसके अलावा आप कोई और पॉइंट्स में लिखना चाहो तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव, जो पहले ट्रेनिंग देने में टेक्नोलॉजी हमारे पास नॉर्मल थी, अब भी टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव भी हो जाएगी, उसमें हमें बेनिफिट ये होगा कि हम उसमें इजीली बेस पे काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होगी। उसके बाद हम ये सकते हैं कि न्यू सीखने के न्यू सेक्टर्स में हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, हमारा न्यू फील्ड हो जाएगा जिसका बेनिफिट हमें ज़्यादा होने वाला हो, तो ये ट्रेनिंग में एक बेनिफिट हमें ये भी मिलेगा। ये थे हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के बेनिफिट। आपकी बुक में ऐसा मैंने काफ़ी कुछ लिखा है कि इसमें क्या होगा, इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ट्रेनिंग, मैं बोलूँ कि कंप्यूटर बेस्ड एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स गेन होंगी, आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, आपकी एक्टिविटीज़ होंगी और एक्शन जो है वो डिवॉल्व होते चले जाएंगे, ये कंपनी में बेनिफिट हमें होगा। ये था आपका टॉपिक टेम्पररी मेथड ऑफ ट्रेनिंग जो खत्म।